तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम लोग। तो कैसे हैं आप लोग? गाइस, कभी कभी ऐसा होता है हमारे फ्री फायर गेम में, हमारा पिंग तो अच्छा चल रहा होता है लेकिन हमारा जो कैरेक्टर है वो अटकता है। या फिर आपको आसान भाषा में समझाऊं तो हम हेडशॉट मारते तो हैं लेकिन वो फेक डैमेज दिखाता है। और इससे भी आसान भाषा में कहूं तो हम बंदे को 1000 तक का भी डैमेज दे देते हैं लेकिन वो बंदा नॉक ही नहीं होता है। और यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारा मोबाइल का जो डाटा है वो तो बहुत अच्छा चल रहा होता है लेकिन गेम के अंदर ये हगी मारू शुरू होता है। तो क्या आपको पता है कि आखिर गेम के अंदर ये बकलोल क्यों होती है? वेल, आज की इस वीडियो में इस प्रॉब्लम के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली इसके चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं अगर आप मेरी ट्रिक को फॉलो करोगे तो आपका लो नेटवर्क में भी अच्छा खासा पिंग चलेगा। आज की इस वीडियो के प्रॉब्लम को हमने 5 पॉइंट में अच्छे से समझने की और उसके सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की है। एंड जो सेकंड और फर्स्ट वाला पॉइंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मिस करोगे तो भाई फिर मुझे गालियां मत देना कमेंट में, क्योंकि वो ब्रह्मास्त्र है आज की इस वीडियो का। फिक्स योर पिंग इशू इन लो नेटवर्क। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। एक्चुअली काफी बार ऐसा होता है कि हमारे फ्रेंड के साथ कस्टम खेल रहे होते हैं और कस्टम में सिर्फ आपका ही नहीं आपके पूरे प्लेयर्स का पिंग इशू होता है। यानी कस्टम में नॉर्मल सी बात है, जो बंदा कस्टम बनाता है ना और अगर उसका खुद का पिंग हाई चल रहा है और वो बंदा कस्टम बना रहा है तो इसके 90% चांस बढ़ जाते हैं कि भाई पूरे गेम में ही पिंग इशू होना शुरू हो जाए। अगर आपको ये चीज बचकानी लग रही है तो भाई ये सच में रियल है। मैंने इसे तो काफी बार नोटिस किया है और मैंने इसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश की लेकिन भाई यहाँ पे एक बहुत बुरी चीज है कि इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आप कितना भी रिस्टार्ट कर लो गेम, कितना भी एयरप्लेन मोड पे ऑन ऑफ कर लो, जो करना है कर लो, अगर आपके कस्टम में पिंग इशू हो रहा है तो भाई ये सॉल्व नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस अगर आपका जो बंदा है जिसने कस्टम बनाया है उसका खुद का पिंग इशू होता है। तो अब आप बोलोगे भाई वो बंदे का तो पिंग चल रहा है गेम के अंदर। भाई गेम के अंदर चल रहा है लेकिन जब उसने कस्टम बनाया ना तब तो पिंग इशू हो रहा था, तब उसका नेटवर्क हगू था। अगर कस्टम बनाते टाइम ही पिंग अच्छा नहीं चल रहा है, फिर गेम में जाने के बाद पिंग अच्छा हो भी गया तो कोई मतलब नहीं हो कस्टम का, वो कस्टम बर्बाद हो गया है। फैक्ट नंबर 4। अब गाइस इस चीज के बारे में तो आपने कभी ना कभी नोटिस किया होगा, जो बंदे ऐसे एरिया में रहते हैं लाइक गांव में रहते हैं या फिर किसी का घर बहुत ज्यादा बंद है, या फिर आप लोगों में से काफी सारे लोगों ने इस चीज को नोटिस किया होगा कि आपके घर में कोई एक जगह ऐसी है जहां पर नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा चलता है। मेरे घर में जो नीचे वाला रूम है वो रूम में नेटवर्क थोड़ा सा पुअर चलता है, थोड़ा सा अजीब सा चलता है, लेकिन वैसे ही ऊपर रूम में अगर बात करूं मेरे नेटवर्क की तो बहुत ज्यादा अच्छा चलता है। वैसे तो मेरे ऊपर रूम में वाईफाई भी है लेकिन अगर मैं वाईफाई को साइड रखूं सिर्फ अपने मोबाइल डेटा से बात करूं तो ऊपर रूम में ज्यादा अच्छा चलता है कंपेयर टू मेरे नीचे रूम से। तो आखिर प्रॉब्लम क्या है, ऊपर नीचे वाला सिस्टम क्या है? देखो मेरा नीचे रूम है ना, जो नीचे वाला जो मेरा पूरा ग्राउंड फ्लोर है बहुत ज्यादा दबा है, मेरे नीचे के दो रूम में तो खिड़की भी नहीं है, जिस वजह से आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि नेटवर्क मेरे मोबाइल तक पहुंचने में इशू होती होगी। नहीं यार, ये हंसने की बात नहीं है, सच में एग्जैक्टली ऐसा होता है। आप लोगों में से काफी सारे लोगों के घर में भी यही प्रॉब्लम होगी। एक प्लेस ऐसा होगा आपके घर का जहां पर बहुत अच्छा नेटवर्क चलता है लेकिन कुछ कुछ जगह कुछ कुछ कोंटे में नेटवर्क में चलता ही नहीं है। तो गाइस आप लोग अपने घर में कोई ऐसी खुली जगह ढूंढनी है जहां पे आप बैठ के गेम खेल सको या फिर वहां पे आप बैठ के अच्छे से अपना यूट्यूब या फिर जो भी आपको इंटरनेट में काम करना है वो कर सको, जो कि आपके लिए थोड़ा बहुत कंफर्टेबल भी हो। फैक्ट नंबर 3। अब ये वाला है ना थोड़ा सा लोगों को बुरा लग सकता है बट ये सच बात है कि अगर आपका फोन बहुत ज्यादा पुराना हो चुका है, मतलब 5-6-7 साल पहले वाला मॉडल है, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो फोन है 5-6 साल पहले आपने लिया था तो जाहिर सी बात है आपके फोन का प्रोसेसर, आपका फोन खुद पुराना हो चुका है एंड जिस वजह से आपके फोन में थोड़े से हीट इश्यू होना शुरू हो जाएंगे। एंड आप मानो या ना मानो, आप काफी सारे ट्रस्टेड आर्टिकल में जिसको पढ़ सकते हो, जो फोन पुराना होता है उसका परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे लो होने लगता है। गेमिंग परफॉर्मेंस लो या फिर लैग परफॉर्मेंस लो, लॉन्चर परफॉर्मेंस लो, वैसे ही नेटवर्क का भी परफॉर्मेंस लो हो जाता है, जिस वजह से आपके फ्री फायर गेम के अंदर अननेसेसरी पिंग इश्यूज होना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ फ्री फायर की बात नहीं है, यहाँ पे आप यूट्यूब खोलो, इंस्टा खोलो या फिर आप इंटरनेट में कुछ भी सर्च कर लो, ये चीज होता ही है अगर आपका फोन सच में 6-7 साल पुराना है। तो आपने काफी बार नोटिस किया होगा आपके दो दोस्त हो, आप और आपका एक दोस्त, लेकिन आपके दोस्त का फोन में नेटवर्क बहुत ज्यादा अच्छा चलता है, उसका भी जियो है आपका भी जियो, लेकिन वही कंपेयरली देखे तो आपके फोन में नेटवर्क धीरे से स्लो चलता है। तो इसका आंसर ये है। फैक्ट नंबर 2। अब ये सब तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आपने समझ लिया लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम आपके गेम में होगी, वो है गरेना फ्री फायर का खुद का पिंग इशू का ग्लिच। और अगर गरेना फ्री फायर गेम से ही पिंग इशू हो रहा है तो उसको सॉल्व करने के सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो फ्री फायर गेम को रिस्टार्ट कर दो या फिर तुरंत एरोप्लेन मोड पे ऑन करके फिर से ऑफ कर दो। और कुछ कुछ क्रिटिकल कंडीशन तो ऐसे भी होते हैं जहां पे आपको अपने फोन को रिस्टार्ट तक करना पड़ता है, मतलब स्विच ऑफ करके ऑन करना पड़ता है। बट यहां पे मैं आपको एक मिस्टेक बताना चाहूंगा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एरोप्लेन मोड को ऑन करते हैं फिर तुरंत ऑफ कर देते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं कर रहा, इससे आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आया।
आएगा। मैं मानता हूँ थोड़े टाइम के लिए आपका इंटरनेट अच्छा चल जाएगा, पिंग इशू भी ठीक हो जाएगा, लेकिन 10-15 मिनट फिर से वही हगना शुरू हो जाएगा। तो मैं जो प्रोसेस को बता रहा हूँ उसको आपको अच्छे से फॉलो करना है। सबसे पहले आपको अपना कंट्रोल पैनल खोलना है, जहां से आप ऊपर से नीचे नोटिफिकेशन लाते हो ना, तो वहां पे कंट्रोल पैनल बोलते हैं उसे, तो वहां पे आपका एरोप्लेन मोड होगा, तो वहां से आपको अपना एरोप्लेन मोड ऑन नहीं करना है। मेरी बात सुनो, वहां से आपको नहीं करना है, आपको सेटिंग के अंदर जाके एरोप्लेन मोड ऑन करना है। अब सेटिंग के अंदर जाओगे, फिर उसके बाद एरोप्लेन मोड को ऑन करोगे, फिर कुछ टाइम के लिए, मतलब कम से कम 10-15 सेकंड के लिए उसको ऑन ही रहने देना, फिर तुरंत उसको 15 सेकंड बाद उसको ऑफ कर देना, फिर थोड़ा सा वेट करना जब तक आपका नेटवर्क ना आ जाए, तब तक आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में ही रहना है। तो ये ऑलमोस्ट 20 सेकंड आपको लग ही जाएंगे, फिर उसके बाद आपको फ्री फायर में आना है। जब तक फ्री फायर गेम के अंदर पिंग आपका स्टेबल होगा, आप नोटिस करोगे कि हाँ भाई पहले से मेरा पिंग थोड़ा सा अच्छा ही चल रहा है। इस ट्रिक को आप अपने हर सिनेरियो में यूज कर सकते हो, जब आपका नेटवर्क इश्यू हो या फिर आपके गरीना फ्री फायर गेम के अंदर ये ग्लिच हो। तो गाइस फाइनली बढ़ते हैं फर्स्ट नंबर की ट्रिक की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जैसे वीडियो को लाइक करके GW चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर गाइस आपको अपने अकाउंट से प्यार है और आप चाहते हो कि भाई आपका अकाउंट सालों साल चले, आपका अकाउंट कभी बैन ना हो, तो अगर आपका पिंग 400-500 चल रहा है, तो भाई मैं आपको एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप फ्री फायर उस टाइम पे मत ही खेलो। क्योंकि देखो यार, अपना गरीना फ्री फायर गेम के अंदर ग्लिच तो काफी सारे हैं, ग्लिच की वजह से अकाउंट भी बैन होता है। अब आपको एक बहुत ही अंदर की बात बताता हूँ। क्या होता है ना, स्पेक्टेटिंग कोई करता होता है, कोई आपको स्पेक्टेट कर रहा होता है, तो उस टाइम पे ना आप खेलते कुछ और हो, आप लेफ्ट साइड में फायर कर रहे हो लेकिन बंदा राइट में, आपके मोबाइल में तो आप राइट साइड में फायर कर रहे हो लेकिन बंदों को लेफ्ट साइड में फायर करते हुए दिखता है, तो काफी सारे लोगों को लगता है भाई ये हैकर है क्या। काफी बार तो स्पेक्टेटिंग ग्लिच की वजह से रनिंग मेडिकेट भी दिखाता है, एंड कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज्यादा फास्ट रन करने लग जाते हो, आप नॉर्मली खेल रहे हो भाई मुझे पता है, लेकिन स्पेक्टेटिंग ग्लिच ये है ना, आप 2 सेकंड एक जगह खड़े हो फिर अचानक से भाई बहुत दूर चले जाते हो। आप सोच रहे मनीष भाई इससे हमारी आईडी बैन कैसी होगी। देखो यार, इससे अकाउंट में मास रिपोर्ट जरूर आएगा। देखो, रिपोर्ट करने से अकाउंट बैन तो नहीं होता, लेकिन जो मास रिपोर्ट है ना, ये बहुत ज़रा बेकार चीज़ है। मास रिपोर्ट का मतलब होता है आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा ही रिपोर्ट हुए जा रहे हैं, वो भी एक ही सेक्शन को लेके। अब अगर आप ऐसे बिहेवियर रखें आपके गेम में, तो जाहिर सी बात है लोग चीट ही करेंगे ना, क्योंकि लोगों को लगेगा कि भाई ये हैकर है और गलती से आपके अपोनेंट में कोई यूट्यूबर आ गया, और अगर उसे थोड़ा सा भनक लग गया कि भाई ये अचानक से ऐसा कैसे खेल रहा है, तो फिर भाई वो आपके अकाउंट को रिपोर्ट करवाएगा और मॉडरेटर तक भी पहुंचा देगा, इससे आपका अकाउंट बैन भी हो सकता है। वेल, मेरा तो फर्स्ट था आप लोगों को बताना, आप लोगों को अवेयर करना, आप लोगों को ट्रिक्स बताना, आप लोगों के प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताना। वेल, आप लोग आज के वीडियो कैसा लगा अकाउंट में जरूर से बताना। अगर आप लोग आज के वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो अपने हर एक दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना जो भी पिंग इश्यूज को फेस कर रहा है। अगर आप लोग आज के वीडियो पसंद आया तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर, बाजू में बेल नोटिफिकेशन बेल सेट कर देना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।